नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019, अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों इस बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को मिला है, साथ ही में उनकी जो वाइफ हैं एस्थर डुप्लो उनको मिला है और माइकल क्रेमर को मिला है। यानी कि भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ही एस्थर डुप्लो जो कि अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं और माइकल क्रेमर को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें दिया गया है वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग को लेकर के। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं और उन्हीं की गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो प्रयासरत थे एस्थर डुप्लो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी, यह सम्मान वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग के उनके शोध हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है कि किस तरीके से गरीबी खत्म की जाए, इस पे इन्होंने शोध किया था। अगर बात करें भारतवंशी की तो किसी भारतवंशी को 21 साल बाद अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी अभिजीत बनर्जी से पहले यह सम्मान हवार्ड में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि भारतवंशी ये अभिजीत बनर्जी जो हैं ये दूसरे भारतवंशी हैं। अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी कम किए जाने के प्रयास से तो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है, जबकि अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु नोबेल से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें अभिजीत बनर्जी की तो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और उनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था 21 फरवरी 1961 को। उन्होंने 1981 में कोलकाता में यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, जबकि 83 में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से एमए, उसके बाद 1988 में हवार्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी थे। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2015 के बाद के विकास एजेंडा हेतु बनाए गए अग्रणी लोगों के हाई लेवल पैनल के सचिव रह चुके हैं। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पैनल बनाया था विकास के एजेंडे के लिए 2015 के बाद, उसके हाई लेवल के पैनल के सचिव रह चुके हैं। अगर बात करें एस्थर डुप्लो की तो एस्थर डुप्लो ने साल 2015 में अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से विवाह किया। अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी डफ्लो अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब के को फाउंडर भी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ डफ्लो जो हैं वो अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब के को फाउंडर हैं। एस्थर डुप्लो अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, ये भी यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ रहा है। वे अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाली महज दूसरी महिला हैं, यानी कि दूसरी बार किसी महिला को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन जाता है एस्थर डुप्लो अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। वहीं अगर बात करें माइकल क्रेमर की तो माइकल क्रेमर भी जो हैं वो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। माइकल क्रेमर भी जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक तरीकों पर ज़्यादा जोर दिया और उस पर जो शोध पत्र उनके प्रकाशित हुए उसको लेकर माइकल क्रेमर को 2019 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर, ये तीनों लोग जो हैं इस बार अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2019 के संयुक्त रूप से विजेता हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित था। जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनका वीडियो मैंने सबका अलग अलग बना दिया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे नोबेल पुरस्कार की, वहाँ सारे वीडियो अपडेटेड हैं, उनको आप देख लेना, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। थैंक यू।